हेलो बच्चा बाट, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में। फोर्थ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 है। और एंगल पी आर डी ये दे रखा है 127 डिग्री। आपको फाइंड करना है एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ पे वाई दे रखा है। दो प्राणी हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ ज़्यादा चिंता नहीं करनी। बस आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर। और ज़रूरत पड़े तो वो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट, किसी भी स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे 180 डिग्री बनता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए कैसे करना है आपको, आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब दो लाइनें कोई ट्रांसवर्सल काटता है, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो यानी आप सॉल्यूशन लिखेंगे कि एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू लिख रहा है बेटा, ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल, और इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये वैल्यू दे रखा है 50 और ये दे रखा है x, सीधी सी बात है, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। बहुत सामान्य सा आंसर सोल्यूशन लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या रीजन हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स बराबर हो गया 50 डिग्री, जो वैल्यू आ गई 50 डिग्री की। एकदम सामान्य सा काम, कुछ और खास नहीं करना, ठीक। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 127 है। अच्छा ये वाला एंगल ध्यान से देखो, जब ये लाइनें पैरेलल थी तो ये एंगल और ये एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल, जिनका सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसा नहीं कि को इंटीरियर एंगल बनते नहीं है, को इंटीरियर एंगल कहे जाते हैं पहले से भी, लेकिन जब लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो इनका सम 180 डिग्री हो जाता है। इसका वाइस वर्सा भी चलता है कि अगर दो को इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री हो गया तो लाइनें अपने आप पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरम में थी। तो आप यहाँ समझिए कि अब चूंकि ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है, तो एंगल बी पी आर, बी पी आर दिख रहा है बेटा, बी पी आर ध्यान से देख लो, बी पी आर, और प्लस एंगल बी पी आर के साथ एंगल पी आर डी, बोलो एंगल पी आर डी दिख रहा है, दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, ठीक। अब एंगल बी पी आर और ये कितना है, 127 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब वो ट्रांसफर होगा तो एंगल बी पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 127 इज इक्वल टू आ गया 53। बोलो हुआ, तो यानी ये वाला एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया 53। बोलो हुआ बेटा, बताओ कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, उस पूरे स्ट्रेट लाइन पे ए पी बी पे, इस पॉइंट पी पे तीन एंगल बन रहे हैं, एक 50 बन रहा है, एक वाई बन रहा है, 53 बन रहा है, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन बन रहे हैं। तो यानी 50 प्लस वाई और प्लस 53 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो अब 50 ये हो गया, 53 ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 103 और प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 180। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 103। बोलो होगा बच्चा, तो यहाँ वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 77 डिग्री, ठीक। बस सामान्य सा काम था, वाई वैल्यू कितनी आ गई, 77। एकदम सरल है, कहीं कुछ नहीं करना, बहुत सामान्य सा सामान्य चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि अल्टर इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है, ये चीज़ आपको पता रहेंगे, साल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।